आप अपने मतलब बेताल कर रही हैं, तो बेताल में आपके रोल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो त्यागी है मेरा नाम। मैं कमांडेंट हूँ एक CIPF फोर्स का। CIPF बोले तो काउंटर इंसर्जेंसी पुलिस फोर्स, और वो नंबर वन इन कमांड है। और उसके नीचे बाज स्क्वाड, उसका स्क्वाड का नाम है बाज स्क्वाड, जिसमें सिरोही फर्स्ट इन कमांड है। उसके बाद आलू बालिया, विजय राहना कुमराज कैरेक्टर। और त्यागी एक ऐसी औरत है जो यू नो एकदम वो जानती है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए एकदम, और लेकिन जो भी उसको चाहिए वो किसी भी हद तक जा सकती है लेने के लिए, यू अंडरस्टैंड। लेकिन वो उसका जो वैल्यूज है, उसका जो वो इतनी कड़क क्यों है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, उसने बहुत कुछ सीखा है। और वो लकी है कि उसके स्क्वाड में सिरोही जैसा आदमी है जो एकदम यू नो ऊपर देखती है, यू नो ही लुक्स अप टू हर, यू नो, एंड जो भी वो कमांड देती है वो करता है। सो शी नोज दैट जो उसको करना है, शी हैज हर टीम बिहाइंड हर, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ वो कुछ भी करती है, यू अंडरस्टैंड, जो उसको करना है। एंड लेकिन जो ग्राफ है कैरेक्टर का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पहले आप देखोगे पहले एपिसोड में वो 100% डिफरेंट है जो मैं लास्ट एपिसोड में, यू नो यू वोंट थिंक कि ये वही औरत है। और वो कोई भी एक्टर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब ऐसा ग्राफ मिल जाए, यू नो, एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए जो जिसका जर्नी होता है, यू नो, इन द फोर एपिसोड इन द सीरीज। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये प्ले करना। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करना मैंने कभी किया नहीं था पहले, यू नो, सॉरी डिड आई डिस्कनेक्ट, आर यू देयर? नहीं, आई एम देयर, आई एम देयर, हेलो, हां हां हां, आई एम देयर, या या, सॉरी या, you know, to play a character like this which I've never done before, jo mere liye interesting tha, is the training and everything. You know, humne pehli baar main actual training kar rahi thi, uniform pehen ke, gun pakad ke, pura you know, pura outfit ke saath, all of the knee pads, the bulletproof vest, the helmet, everything. So it was tough, lekin it was necessary, and I'm very very grateful ki humne authentically kiya ye sab. You know, तो कोई भी एक्टर के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ये सब जब ऐड होता है ना एक कैरेक्टर के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है टू प्ले इट। एंड दैट वाज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट जब मैंने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, एंड यू नो रियलाइज, हाँ मैंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है पहले भी, लेकिन ये आई एम सॉरी फॉर द क्लीशे, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, और सुचित्रा को पहले कभी नहीं देखा है आप लोगों ने इन दिस अवतार, सो दैट्स व्हाट एक्साइटिंग फॉर मी। आपको मतलब हम काफी सालों से जानते हैं, आप विजय थी, बाद में आपने ड्रामा भी किया है, टीवी भी किया है, फिल्में भी आप कर रहे हो, और अभी ये नया सा मीडियम है जिसको हम वेब सीरीज बोलते हैं, तो ये मीडियम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बिकॉज आपने जब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था तब से आप है, वो पीरियड देखा आपने, वहां से अभी तक का ये नया मीडियम किस तरह इवैल्यूएट करेंगे इस मीडियम को आप एज एन एक्टर? मैं बहुत ही फ्रैंकली, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यू नो मैंने पहले भी देखा है जब सिर्फ टीवी चैनल थे, कोई वेब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, यू नो जब सिर्फ डेली सोप्स थे, यू नो थिंग्स लाइक दैट, आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस की OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और ऐसे नेटफ्लिक्स एंड ऑल प्लेटफॉर्म्स जो कोई यू नो दे डोंट लीव नो स्टोन अनटर्न, जैसे कि कहते हैं, यू नो कि वो जो ठान लेते हैं वो पूरा 100% करते हैं, यू नो बी इट द मनी की, बी इट द ट्रेनिंग या जो भी, यू नो, तो कोई एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है कि अब हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे लोग बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, यू नो ऐसे डायरेक्टर्स मिल रहे हैं जिनको कुछ नया ट्राई करना है, ऐसे स्क्रिप्ट मिल रहे हैं जो पहले कभी हम करते नहीं थे, यू नो, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग है हमारे लिए कि यू नो अभी बहुत और काम है लोगों के लिए करने को, जो हमारे लिए फ्रेंकली एक इनसिक्योरिटी है हमेशा, कोई भी एक्टर के लिए, सुपरस्टार हो कि अदरवाइज, यू नो कि अगला काम कभी आ रहा है, यू नो, एंड दैट विद दीज OTT प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा वो टेंशन चला गया है, क्योंकि यू नो दैट जो काम आपको मिलने वाला है अच्छा काम मिलने वाला है, बिकॉज यू नो द चॉइसेस दैट यू मेक, यू विल सी दैट यू हैव बीन गिवन अ चांस टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन बिफोर। 26 साल में मैंने त्यागी जैसा रोल कभी किया नहीं, यू नो, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मैं अभी 50 साल की होने वाली हूँ, यू नो, इन अगस्त, एंड फॉर मी इट्स एन एक्साइटिंग टाइम, जो मुझे 25 या 26 में नहीं मिल रहा था रोल, अभी प्ले करने को मिल रहा है, एंड दैट्स ब्रिलियंट, सो थैंक गॉड फॉर द OTT प्लेटफॉर्म्स एंड द वेब स्पेस। ग्रेट सेइंग। और क्या मतलब आप एक्टर रही, विजय भी रही, आपने एंकरिंग भी किया, आप वीओ आर्टिस्ट भी है, सिंगर भी हूँ, यस
सिंगर भी है, मतलब आप इतनी वर्सिटाइल है, कैसे कुछ मैनेज करती है और कौन सा मीडियम आपके दिल के करीब है? बिकॉज इतनी सारी वर्सिटिलिटी, मतलब आपने एक भी मीडियम छोड़ा नहीं, आप सभी मीडियम में काम कर चुकी हैं। आई नो, आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी, आई हैव कॉम्पेयर्ड इवेंट्स, आई हैव यू नो, आई हैव डन थिएटर, आई हैव डन फिल्म, आई हैव डन टीवी सीरियल्स, एवरीथिंग। लेकिन लोग पूछते रहते हैं मुझे कि व्हाई आर यू डूइंग सो मच, और मैं बोलती रहती हूँ कि व्हाई नॉट, एक ही जिंदगी है, यू नो, आई मीन भर लो यार जितना भी भर सकते हो उस एक जिंदगी में, फ्रेंकली स्पीकिंग। और जब यू नो अच्छी अच्छा काम मिल रहा है तो व्हाई नॉट, यू नो। मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैंने कभी वो यूज नहीं किया था, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि जहाँ तक चंडीगढ़ के बाद मैं पहुंची हूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि कहाँ, यू नो, कहाँ पहुंची हूँ और कितने अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले हैं ऐसे ऐसे रोल्स करने। और लोग कहते रहते हैं कि खुशी यार तुम्हें अपना व्यू नहीं मिला है अभी तक, यू नो, दिस दैट। होपफुली नेटफ्लिक्स इज द वन दैट विल डू दैट फॉर मी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, यू नो, आई हैव नॉट प्लेड समथिंग लाइक दिस बिफोर, एंड इट्स वंडरफुल टू बी एबल टू बी सीन इन अ डिफरेंट लाइट, यू नो, जैसे कि इस कैरेक्टर में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, you know, where I'm at the moment, and मैं करती रहूंगी यार, सब कुछ करती रहूंगी यार, क्यों नहीं, जब तक है जहाँ बोलते हैं ना। ग्रेट। अच्छा सुचिता, एक पर्सनल सा सवाल है, काफी साल से हम देख रहे हैं लेकिन आपकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वैसा का वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं, उतनी पतली और कुछ भी नहीं, तो क्या कुछ बताना चाहिए, कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे अपने फिजिकलिटी के बारे में? मैं सच्ची में, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई है। एक बार मैं गई थी डॉक्टर के पास जो मेटाबॉलिक टेस्ट करते हैं, एंड जब मैं 42 ईयर की थी, उन्होंने कहा था कि मेरा मेटाबॉलिक रेट 14 साल की लड़की की थी, सो दैट इज व्हाई आई डोंट पुट ऑन वेट। दूसरी बात, मेंटल स्टेट है, एंड आई टोटली 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 बिलीव इन दिस, कि अगर आप सोचते नहीं हो कि हाँ ये खाने से मुझे मोटापन आ जाएगा, मैं मोटी बन जाऊंगी, अगर मैं सब कुछ खाती हूँ, आई स्वेयर टू गॉड सब कुछ खाती हूँ, बहुत स्वीट खाती हूँ, हर चाय में मैं 2.5 स्पून ऑफ शुगर पीती हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, बट अगर सोचते नहीं हो उसके बारे में तो दिखता नहीं है यार, और अंदर से खुश हो तो बाहर दिखता ही है, लाइक दैट। आई नो पीपल से कि आप चेंज नहीं हुए, खुटे शीते खुरे में जैसे थी आप वैसे ही है नाउ, इट इज 22 इयर्स लेटर, यू नो, एंड आई थिंक फॉर मी एज एन एक्टर दैट्स अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट, बट अगर आप कोई राज पूछें तो कोई राज नहीं है, फ्रेंकली। मैं सिर्फ आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, अगर आप माइंड में सोचते नहीं हो कि यू नो दिस इज गोइंग टू रियली अफेक्ट मी, आई थिंक पॉजिटिव थॉट्स इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। And as far as routine is concerned, as an actor, of course, हम लोग बहुत makeup पहनते हैं, तो you know, I am very particular about that one thing, skincare routine, और you know, हर बार makeup पूरी अच्छी तरह से निकालना, अगर 4:30 बजे को भी मैं वापस आती हूँ shooting से, मैं पूरा सब कुछ वैसे वो मैं करती हूँ diligently. But that's it. There is no other. I swear to God, there is no other Raj. I'm just lucky. I thank my mother and father. ग्रेट। और आखिर में जानना चाहेंगे, मतलब अभी क्वारंटाइन पीरियड है, सब लोग घर के अंदर है, लॉकडाउन चल रहा है सबका, तो एज एन एक्टर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज एन यू नो वर्सेटाइल पर्सन जो आर्ट के फील्ड में सब कुछ कर चुकी, ऐसी सुचित्रा अपना टाइम, मतलब पूरा दिन का शेड्यूल आपका कैसे होता है, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, मुझे तो लगता है, यू नो, आज पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे बैठूंगी घर में, लेकिन मुझे अब देखने को आया कि एक घर में कितना कितना सब कुछ चलता है। मैं 20 दिन बाहर रहती हूँ यार, अगर मैं कोई सीरियल कर रही हूँ तो यू नो 20 डेज आउट ऑफ रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्प करते हैं, घर का पूरा सब कुछ देखते हैं, माई डॉटर एंड एवरीथिंग, यू नो, एंड अब मुझे देखने को मिल रहा है आफ्टर अ वाइल कि बहुत कुछ है यार करने को घर में, ऐसा नहीं है कि बस देयर इज नथिंग टू डू और बैठो, तो हम पूरा स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, दिस दैट, एंड आई एम ऑल्सो कीपिंग इन टच विद, आई एम सो ग्लैड कि ये सब रिलीज हो रहा है इस वक्त, यू नो, तो वो इंटरेस्ट भी है, यू नो, कीपिंग इन टच विद माई क्राफ्ट पर से, और मैं इंस्टा पे गाती हूँ, मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ, ये वो, सो आई एम कीपिंग इन टच विद एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाट एनी आर्टिस्ट नीड्स टू डू, कि आप भूल ना जाए जो भी सिचुएशन हो, आप भूल ना जाए कि आप एक आर्टिस्ट हो, और जैसे भी देखा जाए, यू एड दैट इनटू व्हाटएवर इट इज दैट यू आर डूइंग। तो चित्रा, आपके आने वाली वेब सीरीज के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप इसी तरह खुश रहे और इसी तरह यंग सालों बत्तर दिखती रहे, और हर एक मीडियम हम आपको वैसे ही देखते रहे, उसी चाव से, उसी पैशन से, उसी डेडिकेशन से।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट। आप प्लीज देखिए ये, अगर आप डरते हैं तो प्लीज कान बंद कीजिए, मेरा वो एक जब आप मिसाल देख रहे हो ना, अगर डर लग रहा है कान बंद कीजिए, साउंड नहीं है ना तो डर नहीं लगता। ओके ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर सुचित्रा, सी यू देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।